कपिल शर्मा पर जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत MRTP के तहत और 187 ऑफ द IPC के तहत FIR रजिस्टर करी जा रही है। जैसा कि सबको मालूम है कि कपिल शर्मा ने अपना जो उनका घर था उसको मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करके जो बफर जोन 50 फीट का रहना चाहिए 50 मीटर्स का जो हाईकोर्ट के भी गाइडलाइंस है बफर जोन मेंटेन करने के वो कपिल शर्मा ने नहीं मेंटेन किया। इन्होंने मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय करके वहां पे अपना रेजिडेंस बनाया। यही नहीं उस रेजिडेंस को उन्होंने ऑफिस में कन्वर्ट किया जो कि चेंज ऑफ लैंड यूज के तहत नहीं अलाउड है और वो भी जो है इसलिए 52 ऑफ MRTP एक्ट के तहत गुनाह बनता है जिसमें 3 साल की सजा है। मैंग्रोव डिस्ट्रॉय करने के लिए सेक्शन 15 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 5 साल की सजा का प्रावधान है। ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है इसलिए इनके ऊपर इन दोनों सेक्शन में FIR लिखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कपिल शर्मा की जो ट्वीट थी कि उनसे 5 लाख रुपए BMC अधिकारी ने मांगे और चूंकि उन्होंने नहीं दिया इसलिए उनके जो है डेमोलिशन के ऑर्डर्स दिए गए। इसके बाद हमने इंतज़ार किया कि PMO से चूंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये ट्वीट करी थी तो हमने सोचा कि शायद PMO से इंस्ट्रक्शन आएंगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए इसका FIR किया जाए। लेकिन जब PMO से कुछ नहीं आया हमने स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो को रिटर्न कंप्लेन दी, हमने बॉम्बे पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन दी क्योंकि पैसा देना और मांगना दोनों गुनाह है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। और BMC एम्प्लॉई अगर 5 लाख पैसे 5 लाख मांग रहे हैं तो वो एक सरासर गुनाह है और कपिल शर्मा उसका नाम ना बता के वो भी उस गुनाह के गुनाह में शामिल हो जाते हैं। इसलिए 187 IPC के तहत कपिल शर्मा पे FIR की जाए जिसमें मिनिमम 1 महीने से 6 महीने की सज़ा है। कोर्ट ने पुलिस को वर्सोवा पुलिस स्टेशन को ऑर्डर दिया है कि आप FIR लिखिए इन सभी सेक्शंस के तहत और इन्वेस्टिगेशन करिए और कौन BMC एम्प्लॉई या फॉरेस्ट एम्प्लॉई जो उनसे 5 लाख रुपए मांग रहा था उसका नाम सामने लाइए और अगर कपिल शर्मा नाम बताने से इनकार करते हैं तो उनको भी अरेस्ट किया जाए क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर कट कानून है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर कोई पब्लिक सर्वेंट पैसे मांग रहा है और आप उसको बचा रहे हैं तो आप भी उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। कपिल शर्मा एक फेमस सेलिब्रिटी है, कॉमेडियन है, घर घर में उनका पहुंच है लेकिन उसके बाद अगर कपिल शर्मा एक गुनाहगार को बचा रहे हैं तो उनके ऊपर भी गुनाह FIR होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोर्ट ने कन्विंस होकर वर्सोवा पुलिस स्टेशन को ऑर्डर किया है कि आप FIR लिखिए और वो FIR अभी पुलिस अंदर लिख रही है। तो वो रजिस्टर हो चुका है, कॉपी मिल सकती है अभी हमें FIR की? बिल्कुल अभी FIR थोड़ी देर में हो जाएगी, आपको FIR की कॉपी शीघ्र ही मिल जाएगी। मैडम क्या एक्शन हो सकते हैं, मतलब कपिल शर्मा की अरेस्ट हो सकती है इन दिनों कभी भी? बिल्कुल, कपिल शर्मा नहीं, पहले तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो इन्वेस्टिगेट करके अगर कपिल शर्मा दोषी पाए जाएंगे क्योंकि इन सेक्शन में FIR लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है, उसमें सबूत है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लाएगी और अगर कोर्ट में केस में वो दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल कपिल शर्मा पे कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, पुलिस अभी FIR लिखने के बाद मुझे लगता है कि वर्सोवा पुलिस कपिल शर्मा को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाएगी और कपिल शर्मा से साफ साफ पूछेगी कि उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए कि नहीं। अगर कपिल शर्मा कहते हैं कि 5 लाख रुपए मांगे गए तो उनको बताना पड़ेगा पुलिस को कि किसने 5 लाख रुपए मांगे। तो अगर वो नहीं बताएंगे तो उनके ऊपर साफ साफ 187 का और बड़ा गुनाह हो जाता है क्योंकि 187 IPC कहता है कि अगर आप पुलिस को कोऑपरेट नहीं करते तो उसमें जो है 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। और एक सिटीज़न की नागरिक की ड्यूटी बनती है 39 ऑफ द CRPC के तहत कि अगर कहीं गुनाह होते वो देखे, उसकी जवाबदारी बनती है कि वो आके पुलिस को बताए। लेकिन अब जब उन्होंने ट्वीट कर दिया और वो पब्लिक डोमेन में है कि उनसे 5 लाख रुपए मांगे गए तो ये एक करप्शन का गुनाह बन जाता है और अगर कपिल शर्मा अब पुलिस को नाम नहीं बताएंगे तो कपिल शर्मा पर जो ये 187 की FIR आज लिखी जा रही है वो प्रूव हो जाएगा कि उन्होंने गुनाह किया है और फिर उसके आगे कोर्ट में मामला चलेगा। हाँ, ये बात थोड़ी हैरानी की है क्योंकि हमने पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को भी ये कंप्लेन दी थी, हमने वर्सोवा पुलिस DCP को भी कंप्लेन दी थी लेकिन पुलिस जैसे मुंबई पुलिस मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी स्टार्स के इन्फ्लुएंस में रहती है। सलमान के केस में उन्होंने जिस तरह से 10 साल तक केस दबाए रखा,
संजय दत्त को बार बार परोल और फरमो दी, इसी तरह से कपिल शर्मा के केस में, जबकि 5 लाख का घूस मांगी गई और उन्होंने ये पीएमओ को ट्वीट किया, उसके बाद भी पुलिस शांत रही। इसी वजह से मजबूरन हमको अंधेरी कोर्ट जाना पड़ा और अंधेरी कोर्ट के जो जज थे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट श्री ए पांच भाई, उन्होंने क्लियरली लिखा कि ये जो घूस ब्राइब मांगी गई पब्लिक सर्वेंट से, जो कि इनकी ट्वीट है, ये एक गुनाह है और वर्सोवा पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और सच्चाई सामने लाए कि क्या बीएमसी एम्प्लॉय ने 5 लाख रुपए मांगे, और अगर मांगे तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। कितने FIR दर्ज हुए कपिल शर्मा? नहीं, ये ब्राइब के मामले में पहला FIR दर्ज हो रहा है, ये 187 IPC के तहत पहला FIR दर्ज हो रहा है, क्योंकि हमको लग रहा था कि जब आप खुलेआम कह रहे हैं कि 5 लाख की घूस मांगी गई, पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी कपिल शर्मा को देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं देश की छवि धूमिल होती है, और अगर BMC एम्प्लॉय ने मांगी तो BMC कमिश्नर क्यों चुप रहे, सरकार क्यों चुप रही, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर क्यों चुप रहे, उन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर करी। इस वजह से हमको कोर्ट से ये ऑर्डर कराना पड़ा और ये 5 लाख के घूस के मामले में ये पहली FIR आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो रही है। जो BMC के अधिकारी, उन पर क्या एक्शन हो सकता है अगर वो गिल्टी पाते हैं? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है, अगर कोई इस तरह से घूस मांग रहा है, इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा है, तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो अगर ये पाया जाता है, अगर वर्सोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाती है, उनको एविडेंस मिलता है कि इन्होंने घूस मांगा, तो उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जा सकता है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। कपिल शर्मा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए अगर आप बता सके मैडम, आखिरी सवाल मैडम, इधर ये भूम पार्टी है, पार्टी है, अच्छा भाई मैडम इधर है, समोर मैडम, इधर मैडम, समोर समोर बघा, एक मिनट मैडम, मैडम इधर कैमरा है, जरा पार्टी है, जरा भाई इधर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।